अब यहां एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, देखें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। अगर किसी पैनल का रेजोल्यूशन 1080x768 ये है तो ये एचडी पैनल हो गई, इसे एचडी रेडी ही कहते हैं, ध्यान दें। एचडी रेडी ही कहते हैं। अब वहीं अगर किसी पैनल का रेजोल्यूशन 1080x1920 है तो यहां ये पैनल क्या होगी, तो मैं बताना चाहूंगा यहां पे ये पैनल होगी एफ एच डी, अर्थात इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो जो आंसर आएगा इसके गुणनफल से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, ये एचडी रेडी पैनल हुई और ये फुल एचडी पैनल हुई। यहां एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, बड़ा लॉजिकल मसला है, देखें थोड़ा सा। अगर आपके सामने सिर्फ रेजोल्यूशन आया, चाहे वो किसी पेपर में लिखा हुआ है या कहीं गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, वहां रेजोल्यूशन सिर्फ लिखा हुआ आया और आपको समझना है कि वो फुल एचडी है कि एचडी रेडी है, तो उसको समझने के लिए एक तरीका और है कि ये गुणा के एक तरफ चार डिजिट और दूसरी तरफ तीन डिजिट अगर है तो वो 100% एचडी रेडी पैनल होगी, फुल एचडी वो हो ही नहीं सकती। और अगर गुणा के एक तरफ चार डिजिट और दूसरी तरफ भी चार डिजिट है तो वो फुल एचडी ही होगी, वो कभी एचडी रेडी नहीं हो सकती, एक ये भी पहचाना। आप खाली रेजोल्यूशन देख करके समझ जाएंगे कि वो पैनल 10 पेयर वाली है या 5 पेयर, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो फुल एचडी का होता है फुल एचडी में 10 पेयर आते हैं एलवीडीएस के और एचडी रेडी में 5 पेयर आते हैं किसके, एलवीडीएस के, ठीक है। तो फुल एचडी में 10 पेयर, एचडी रेडी में 5 पेयर। अगर किसी पैनल का रेजोल्यूशन में एक तरफ चार डिजिट दूसरी तरफ तीन डिजिट है तो एचडी रेडी पैनल होगी, उसमें 5 पेयर वाला एलवीडीएस ही लगेगा, चेक करके देख लीजिएगा। और वहीं पे अगर फुल एचडी की पैनल है तो उसमें एक तरफ चार डिजिट होगा और दूसरी तरफ भी चार डिजिट होगा, वो फुल एचडी की पैनल होगी, वो एचडी रेडी कभी नहीं हो सकती, चेक करके आप देख लीजिएगा। जिस पैनल में 10 पेयर लगे हों उसका जब रेजोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें एक तरफ चार डिजिट और दूसरी तरफ भी चार डिजिट होगा, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। अब यहां जो मैंने वो फार्मूला बताया वो फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो देखें यहां चार डिजिट और यहां चार डिजिट, तो ये हो गया फुल एचडी। और वहीं पे यहां पे भी चार डिजिट है तो ध्यान रखें जब वो रेजोल्यूशन 2560 और 1440 के ऊपर जाता है तो वो क्वाड एचडी हो जाता है। और वही चार डिजिट का रामायण अगर 2840 और 2160 पे जाता है तो वहां वो 4K हो जाता है। खैर इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। अब देखें यहां पे भी दरअसल में ये रेजोल्यूशन मैंने आपको जब एलवीडीएस पढ़ाया था तो आपको मैंने कहा था कि एलवीडीएस बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह से दोस्तों ये जो रेजोल्यूशन है ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है।
आपको मैं बताऊं तो ये रेजुलेशन से आपको ये पता चलता है कि उस पैनल में कितने फिक्सर्स हैं। रेजुलेशन से ये पता चलता है कि वो पैनल फुल एचडी है कि एचडी रेडी है, कि 4K है या 8K है। रेजुलेशन से ये भी पता चलता है कि पैनल का सीक्वेंस क्या है। अब ये नया नोटिंग की सीक्वेंस क्या, अर्थात आप देखते होंगे दोस्तों कि पैनल एक वाइड एंगल में होती है, एक स्क्वायर पैनल होती है और अभी एक वर्टिकल पैनल का चलन भी शुरू हो गया है। देखें आप समझे कुछ इस प्रकार, कुछ पैनलें हैं इस तरह की जो अभी हमारे घरों में आमतौर पर दिखाई देती हैं, इसे बोलते हैं वाइड एंगल पैनल। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, इधर कम होता है और इधर ज्यादा, जैसा कि आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन देख रहे हैं, जो भी आप हमारे घर में टीवी अलग ही रहती हैं। उसके बाद अब दूसरा एक पैनल सामने आता है, आप देखे होंगे, इसे देखें, एक ये पैनल आपको दिखाई देता होगा जिसमें लगभग लगभग चारों कोने बराबर होते हैं, कुछ फर्क होता है। तो अब अगर यहां पे मैं कहूं इस पैनल का रेजोल्यूशन क्या होगा, तो यहां से आपको नोटिस करना है 1080x768, अर्थात ये भी दर्शा रहा है कि वर्टिकली कितने फिक्सल्स इसमें माउंट किए गए हैं, अर्थात यहां से लेकर यहां तक कितने फिक्सल्स माउंट किए गए हैं और यहां से लेकर यहां कितने फिक्सल्स माउंट किए गए हैं। ठीक है, यहां देखें, सपोज इस तरह की पैनल है आपकी और इस पैनल में 19-20 अर्थात उन ध्यान से देखें 1920 फिक्सल्स इस तरह से माउंट किए गए हैं हॉरिजॉन्टली और 1080 फिक्सल्स वर्टिकली माउंट किए गए हैं। मतलब अगर हम फिक्सल्स की गणना करें तो 19-20 फिक्सल्स इधर से और 1080 फिक्सल्स इधर से, ये दर्शाता है कि हॉरिजॉन्टली 1920 फिक्सल्स माउंट किए गए हैं और वर्टिकली 1080 फिक्सल्स माउंट किए गए हैं। और जब दोनों को गुणा करते हैं तो पूरे पैनल में कितने फिक्सल्स हैं वो पता चल जाता है। अब अगर ये 1920 है और ये 1080 है तो इसकी लंबाई ज्यादा होगी और ये चौड़ाई कम होगी, लेकिन अगर यहीं पे कोई पैनल स्क्वायर वाली है तो स्क्वायर वाली अगर पैनल है इसका रेजुलेशन क्या होगा, 1280 × 1280, मतलब जितना लंबाई उतना चौड़ाई। अगर चौड़ाई थोड़ी सी बड़ी हो, सपोज लंबाई 1280 × 1460, मतलब इससे थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बड़ा। तो ये रेजोल्यूशन से हमें पैनल के डायमेंशन को भी समझना आसान हो जाता है। अब देखें, अगर कोई पैनल का रेजोल्यूशन, कोई पैनल का डायमेंशन इस तरह से हो, तो अगर कोई पैनल इस तरह से है तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, 1080 × 1960, मतलब 1080 हॉरिजॉन्टली और 1960 वर्टिकली, कितना 1960। तो उस पैनल का डायमेंशन क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखें इस स्लाइड में मैं इस पैनल की बात कर रहा हूं, अभी प्रचलन में ये पैनलें आ रही हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। और आपने देखा होगा कि बाहर पहले दुकानों के सामने ऐसे बोर्ड बनाकर लगाए जाते थे, उस पर लिखा हुआ जाता था, पर अब उसमें पूरा पैनल आ गया है, स्क्रीन चलता रहेगा, हजार
2000-5000 कितने भी स्लाइड्स आपने डाल दिया, मतलब आपके दुकान में कितनी सारी चीजें हैं सेल करने के लिए, उन सारी चीजों का जिक्र आप इस स्क्रीन में कर सकते हैं और दुकान के सामने रख देंगे तो चलता रहेगा। इस तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए अभी चीजों का इस्तेमाल होने लगा है। तो इसमें जो पैनल लगी होगी उसका रेजोल्यूशन क्या होगा? उसका रेजोल्यूशन होगा 1080x1920, मतलब 1080 इधर से और 1920 इधर से। ध्यान रखें ये 1080x1920 की जो मैं जिक्र कर रहा हूं ये फिक्स ना समझें, ये अलग अलग हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पहला डिजिट है ये हॉरिजेंटली सीक्वेंस को दर्शाता है और दूसरा डिजिट है वो वर्टिकली सीक्वेंस को दर्शाता है। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए बैच नंबर 14। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग अब बैच नंबर 14 शुरू करने जा रहा है और बैच नंबर 14 की जो क्लास है अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी और आप देश के किसी भी कोने से हैं ऑनलाइन इस बैच में जुड़ सकते हैं। लेकिन रुकें, अभी पहले डेमो क्लास आप अटेंड करें। हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 नंबर बैच तक पहुंचा है लेकिन हमारी एक परंपरा रही है कि हम पहले डेमो क्लास देते हैं और डेमो क्लास देने के पीछे कारण ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं वो चाहे उत्तर प्रदेश से हों, झारखंड, बिहार, रांची, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कहीं से भी हों, सबसे पहले हम उन्हें डेमो क्लास देते हैं। और डेमो क्लास इसलिए देते हैं कि दोस्तों पैसे आपके भी इम्पोर्टेंट हैं और पैसे हमारे भी इम्पोर्टेंट हैं, तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि पहले आप डेमो क्लास लेकर के देखें कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट में जुड़ करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने का अवसर लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके आप एलसीडी एलईडी के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं तो बेशक आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़े। और मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग 3 महीने का होता है और इस 3 महीने के सफर में पावर सप्लाई से लेकर के मदरबोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड, टिकोन, बैकलाइट, पैनल, स्केलर, सॉफ्टवेयर, ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं एलसीडी एलईडी के सारे का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। और ये हमारा 14वां बैच शुरू होने जा रहा है जिसका डेमो क्लास की डेट में बताऊं तो 16/3/2024, उसके बाद 23/3/2024 और फिर 30/3/2024, 3 डेमो क्लास आप लोगों के बीच में दिए जाएंगे। और इस डेमो क्लास में जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं डेमो क्लास के लिए और डेमो क्लास के बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेमो क्लास लेने के बाद आप लोग फोन करें, ज्वाइंट हुए इस ग्रुप में। और फीस का शेड्यूल मैं बताऊं तो 3 महीने की इस क्लास की फीस अलग अलग होती है और बजट इतना कम होता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 बैच पर गया और इस 14 बैच तक जाने तक बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बैच से सीख करके रोजगार, अपना दुकान खोले, अपना रोजगार कर रहे, नौकरी कर रहे, कंपनी में जॉब कर रहे। तो ये यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज बताया जाएगा, कोर नॉलेज बताया जाएगा जिसके बिना पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया, कोई बात नहीं, आप जुड़े हमारे इस कॉन्सेप्ट में। पहले डेमो क्लास अटेंड करें और डेमो क्लास के बाद आपको पढ़ाने का तरीका, आपको समझाने का जो मॉड्यूल है, चैप्टर्स जो हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ बेहतर नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें।